લિયાકતેલી નોતિયાર કચ્છની ધરોહરને વિશ્વના નકશા ઉપર મૂકવા માટે યુવાને એક પ્રયોગ પહેલ કરી છે. લખપતના લિયાકત ભાઈએ વન્ય પક્ષીઓ ઉપર ડોક્યુમેન્ટ તૈયાર કર્યા છે. બહુ બઢિયા એ ડોક્યુમેન્ટ, એ આસાન કામ નહીં. આ ડોક્યુમેન્ટરીના કારણે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી tourism kshetre pan ek prachar prasar thase. My dear friend Liaquat Nodiyar has captured the amazing beauty and diversity of Kutch. National Geography no expert photographer recording karto hoy, video recording karto hoy, e rite documentary film The Life with Wildlife in Kutch naam ni documentary by Liaquat bhai banavi chhe. Wildlife ke jo birds hain, us bird ko dekhkar duniya bhi kahegi ki Kutch nahi dekha. तो कुछ नहीं देखा. દોસ્તો, મેં કચ્છ કી હમારી વિરાસત કી મેં બાત કર રહા થા. ઇસ રૂપાણી સરકાર મેં મેં MOS હું, ટુરિઝમ ડિપાર્ટમેન્ટ સંભાલતા હું. और मेरा नेटिव कच्छ है. मैं मेरी जात को बहुत धन्यता अनुभव करता हूँ कि मेरा जन्म कच्छ में हुआ. कच्छ के हमारे पक्षी, पशु पक्षी की जो विरासत है दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी. और इनको कैमरे में कंडारने के लिए, कैमरे में क्लिक करने के लिए हमारा लियाकत अली नोतियार रात दिन इसमें लगा हुआ है. देश और दुनिया के लोग जब डॉक्यूमेंट्री हमारी जब देखेंगे कच्छ की वाइल्ड लाइफ के जो बर्ड्स हैं, उस बर्ड को देखकर दुनिया भी कहेगी कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा. दोस्तों, आइए कच्छ दर्शन करें. कच्छ में अनेक विध टूरिज्म क्षेत्र हैं. चाहे वाइट डेजर्ट देखो, चाहे धोलावीरा की प्राचीन संस्कृति देखो, चाहे स्मृति वन देखो, चाहे मांडवी का बीच देखो, चाहे विजय विलास देखो, चाहे देव मंदिर जैन मंदिर देखो, चाहे हमारा गोवर्धन पर्वत देखो, चाहे हमारी रवेची माँ के दर्शन देखो, चाहे हमारी माँ आशापुरा के दर्शन देखो, चाहे हमारे कोटेश्वर भगवान के तिकम राय जी महाराज के दर्शन देखो. ये सब देखकर जब अनुभूति करता है मनुष्य तो अभिभूत होता है. और अभिभूत बनने के बाद में देश और दुनिया को बताएगा कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा. इस बारे में टूरिज्म क्षेत्र की हमारी नई पॉलिसियां भी हमने डिक्लेयर की है. हमारे राज्य के लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय विजय भाई रूपानी जी के नेतृत्व में आइए हम और नई पॉलिसियों का लाभ लें और इनको ज़्यादा में ज़्यादा करके देश और दुनिया को हमारी बर्ड्स पॉलिसी जो है, हमारे बर्ड्स हैं जो गुजरात के और कच्छ के, उस दुनिया के बर्ड्स को हम दुनिया के नक्शे पर रखकर हम अपना गौरव अनुभव करें. यही शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद. Hi there, my name is Brian Bond. I'm a music researcher from the United States. I've spent a couple of years in Kutch learning about music in this culturally vibrant and diverse region. Although Kutch may appear in some ways to be an inhospitable desertous place to first-time visitors, the ecology and wildlife of this region is extremely rich and diverse. My dear friend Liaquat Nodiyar has captured the amazing beauty and diversity of Kutch wonderfully in his new film entitled Life with Wildlife in Kutch. I am especially impressed by his footage of the birds of the region. Liaquat is very knowledgeable about the wildlife of Kutch and he is really dedicated to protecting the region's environmental beauty and diversity. He is the perfect person to make a film like this one and I really do hope that you'll watch it. I look forward to his future films and documentary work
on the ecology and natural beauty of Kutch. मुझे आज बहुत खुशी हुई. मैंने आज हमारा बॉर्डरिंग एरिया जो है गुजरात के कच्छ के बॉर्डर पे आया हुआ एक अनडेवलपमेंट या जहाँ पे आज भी विकास की बहुत ज़रूरत है ऐसे ब्लॉक लखपत ब्लॉक के एक युवा साथी लियाकत अली नौतियार की मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी. कच्छ के उस क्षेत्र में जो छोटी छोटी चिड़ियाओं से लेके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड छिंकारा और बहुत सारे सुरखाब जैसे पंछियों को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जैसे कि कोई एक्सपर्ट वीडियोग्राफर अपनी वीडियो में उसको कैद करता है उसी तरह से उन्होंने इनकी डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है और इस डॉक्यूमेंट्री का नाम दिया है लाइफ विथ वाइल्ड लाइफ इन कच्छ. बहुत बढ़िया ये डॉक्यूमेंट्री है. ये आसान काम नहीं है. जो पंछी होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं उनके नज़दीक जाके उनका वही रूप में उनके उन्हीं के संगीत में उनकी मौज में जब वो है उनको बिना डिस्टर्ब किए एक वीडियो बनाना वो बड़ा मुश्किल काम है. भाई लियाकत जी ने बहुत अच्छे से काम किया हुआ है. कच्छ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आज भी बहुत विकास की ज़रूरत है. संभावनाओं से भरा हुआ एक क्षेत्र है. टूरिज्म का बहुत विकास यहाँ हो सकता है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से बनाया जाए. लोग बहुत मेहनती है. देखिए जैसे कि ये लियाकत भाई जैसे लोग हैं बहुत मुश्किल में रहने वाला एक क्षेत्र है यहाँ के लोग हैं पर जिनको हम यहाँ लोकल लैंग्वेज में कच्छी माड़ू बोलते हैं कच्छ के लोग संघर्ष के बीच भी कुछ नया सर्जन करते हैं. लियाकत भाई ने भी ऐसा ही सर्जन किया हुआ है. मेरी बहुत शुभकामनाएँ हैं. कच्छ के छारी ढंड में बहुत सारे पंछी आते हैं. कहा जाता है कि पंछियों का धाम है. माइग्रेट बर्ड्स बाहर से आने वाले पंछी कच्छ में बहुत आते हैं. कच्छ ऐसा भी एक क्षेत्र है कि जो आज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिन्हें लोकल लैंग्वेज में घोराड़ कहते हैं वो आज बहुत ही कम बचे हुए हैं. उनका अगर कहीं पर भी पार्क बना हुआ है सेंचुरी बनी हुई है तो कच्छ में बनी हुई है. छिंकारा की भी सेंचुरी वहाँ पर है. मैं उम्मीद करता हूँ एक सांसद के नाते एक लोक प्रतिनिधि के नाते कि ये बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है. गुजरात सरकार ज़रूर इसे सराहना करेगी और ऐसे जो युवा साथी जिन्होंने सर्जन करते हैं कुछ नई चीज देते हैं समाज को उनको गुजरात सरकार जरूर इनको प्रोत्साहित भी करे. बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट के पीछे हम बहुत सारे पैसे बर्बाद करते हैं तो ऐसे युवा साथी का जो काम है उनको भी कुछ पैसों से भी उनको समर्थन करने की कोशिश गुजरात सरकार करेगी तो और लोग भी प्रोत्साहित होंगे और इनको भी आगे काम करने में थोड़ी सुविधा मिलेगी. फिर से मैं लियाकत अली नौतियार जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे वो ऐसे ही काम करते रहेंगे और सरकार इनको पूरी तरह से समर्थन देती रहेगी. बहुत बहुत शुभकामनाएं. कच्छना लखपत तालुकाना युवान भाई श्री लियाकत अली नौतियार के जेमणे वन्य जीव ऊपर अनेक पक्षीओना पिक्चरो फोटाओ पाड़ीने एमने एक सरस मजानी डॉक्यूमेंट्री तैयार करवा जई रहा छे. वाइल्डलाइफ पिक्चर बनावा जई रहा छे. एमने हूँ घणी घणी हृदयपूर्वकनी शुभकामनाओ शुभेच्छाओ पाठवू छू अने जेना कारणे आ नानी पिक्चर आ डॉक्यूमेंटरीना कारणे सोशल मीडियाना माध्यमथी टूरिज्म क्षेत्रे पण एक प्रचार प्रसार थशे अने लोको ए स्थळनी मुलाकात लेशे अने ए विस्तारने पण प्रवासन क्षेत्रे अने आर्थिक क्षेत्रे पण खूब लाभ थशे. हूँ फरी एकवार लियाकत भाई नौतियारने घणी घणी शुभकामनाओ अने अभिनंदन पाठवू छूं.